नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी कि एक हद तक हर चीज अच्छी लगती है, लेकिन अगर वो हद से ज्यादा बढ़ जाए तो मुसीबत बन जाती है। ठीक वैसे जैसे इस वक्त सर्दी से लोग परेशान हो चुके हैं, पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड झेल रहे लोग भी मौसम बदलने की दुआ कर रहे हैं। मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ दिनों में ठंडी हवाएं और बारिश की वजह से लोगों को परेशानी होने वाली है और कोहरा भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनेगा। ज्योत्सना, बहुत जाहिर बात है कि लोगों को होशियार रहने की ज़रूरत है। ठंड में थोड़ी सी लापरवाही उन्हें बीमार ही नहीं बल्कि बहुत बीमार कर सकती है, क्योंकि ज़्यादा सर्दी में बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस मेंटेन नहीं कर पाता और नतीजा है हाइपोथर्मिया की परेशानी हो जाती है। ठंड में तो बच्चे और बुजुर्गों का मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल मीनाक्षी, जैसा कि आपने कहा, इसके साथ ही खांसी, जुकाम, बुखार, अस्थमा, कोल्ड, डायरिया, इनडाइजेशन, ये सारी ऐसी समस्याएं हैं। एसिडिटी को भी अगर गिन लिया जाए तो परेशानी लोगों के लिए बन जाती हैं। इसके साथ ही इसका असर जो है वो हमारी इम्यूनिटी पर भी पड़ता है, उसमें कोई शक नहीं। स्वामी रामदेव लेकिन हमारे साथ हैं और कैसे सर्दियों में योग और आयुर्वेद से आप गर्मी का एहसास पा सकते हैं ये बताएंगे आज योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। मैं ये देख रहा हूँ लोग ऐसे ही कहीं ना कहीं धुना जमा करके बैठे हुए आग तप रहे हैं। ये भी ऐसे हमारे साधक हैं जिनको बहुत ठंड लगती है। मैंने पूछा भाई ठंड किस किस को ज़्यादा लगती है, तो खैर इसको तो अप्लास्टिक के नेम है इसलिए ठंड लगती है, इसको 3 बार स्लिप डिस्क हुई है इसलिए ठंड लगती है, और ये तो क्या हुआ गया था बीच में, कहाँ उतर गया था? जोधपुर से जयपुर आ रहा था तो मकराना उतर गया। क्यों? बहुत ज़्यादा ठंड थी, मेरे को कहीं डेथ नहीं हो जाए सर्दी से। मेरे को ये डर तो बहुत ही टाइम से है, 40 साल हो गए मेरे ये बीमारी, थायराइड और मतलब एंग्जाइटी। थायराइड एंग्जाइटी पहले से ही, और ठंड के मारे बीच में उतर गया, मर जाऊंगा। मतलब मैं रजाई साथ रखता हूँ लेकिन उस समय क्या एकदम से सर्दी हो गई। या तो ठंड में हरिद्वार पहुँच गया आप? नहीं तो मैं सारा सामान है मेरे पास ये है, इनर है, नीचे तैयारी के साथ आए, शर्ट है, 5 कपड़े पहन रखे हैं और जो है फिर भी अग्नि के पास में बैठे हुए सबसे ज्यादा। एक वो है जो लेयर के ऊपर लेयर कपड़ों के पहने हुए हैं और एक आप हैं जो एक धोती और अंगवस्त्र में है केवल। हाँ, इसको अस्थमा भी है, इसको भी बहुत ठंड लगती है। चल तेरी तो मैं ठंड उधर आता हूँ, मेरे पास भगाता हूँ उधर। तो लोगों को ठंड लग रही है और हम यहाँ पर जो है वो कपड़े के बिना योगाभ्यास करते हैं और चारों तरफ आप देख रहे हैं कोहरा ही कोहरा है। स्वामी जी, आप कहते भी हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, रेगुलर योगाभ्यास हमें करना चाहिए और इससे कोई बीमारी नज़दीक भी नहीं आएगी, लेकिन ठंड के इस मौसम में बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आज आप कौन कौन से योगाभ्यास बताने वाले हैं? 12 योगिक जोगिंग के अभ्यास लंबे लंबे श्वासों के साथ, तो जो ये सुबह कर लेंगे उनको ठंड नहीं लगेगी। तो ये मैं रोज करता हूँ, सुबह दौड़ लगाता हूँ और 1 घंटा ऐसे नग्न रह करके सुबह सुबह 5 से 6 बजे योग करता हूँ। एक दूसरा अभ्यास, ये 12 अभ्यास है लंबे लंबे श्वास। अब जैसे गुड़िया है, इसको तो इतनी ठंड लगती है, अस्थमा हो रखा है इसको, बताओ। छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा से लेकर के, और किसी किसी को तो ज़्यादा ठंड लग जाए तो पैरालिसिस हो जाता है, किसी को ज्यादा ठंड में दर्द बढ़ जाता है, घुटनों का दर्द, ये दोनों हाथ साइड में। तीसरा अभ्यास ऐसे घुटने को छाती से लगाएंगे। अब ये एक माता है, किस किस को दर्द है, इसको इतना भयंकर दर्द है, कमर में दर्द, अर्थराइटिस, और दर्दें बढ़ जाती है सर्दी में लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो ये तो तीसरा अभ्यास हुआ। फिर ये चौथा अभ्यास जिसमें हम ऐसे बैठते हैं, ऐसे सीधे सीधे ऐसे, इतना तो सभी कर सकते हैं। फिर किसी को
ज्यादा ही करना है तो फिर दंड बैठक भी एक एक करवा देंगे, पूरी गर्मी जगा देंगे, सर्दी भगा देंगे। हाँ, जिनको ज्यादा ठंड लगती है फिर वो मुंह में केसर डाल ले। एक माता मेरे पास आई करनाल से, प्रेम, बोले स्वामी जी इतनी ठंड लग रही थी कि गर्म कपड़े पहन करके भी आधा आधा कर लो बेटा ऐसे, और पूरा बैठ सको तो पूरे बैठ जाओ ऐसे। पूरे बैठने में थोड़ा सा जो है वो ताकत ज़्यादा लगती है। खैर, जितना बैठ पाए उतना बैठ जाए। तो बोले आपने एक दिन इंडिया टीवी पर बताया था कि मुंह में केसर डाल लो, तो बोले मैंने केसर डाली, सीधे सीधे बैठे ऐसे, और बोले मेरी ठंड दूर हो गई। तो जिनको बहुत ठंड लगती है मुंह में केसर डाल ले, और दूध में हल्दी शिलाजी च्यवनप्राश, हमने कई बार बताया हुआ है, दिव्य पे पका करके उसमें शिलाजी डाल करके रख ले, और दिन भर वही पे आज ये बताने वाले भी है जी। लंबे श्वासों के साथ केसर का आपने जिक्र किया, जिनकी उम्र ज्यादा है, जो ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं वो भी केसर खा सकते हैं जैसा कि आपने बताया। वैसे ठंड की वजह से कई बार बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से नीचे आ जाता है और इसकी वजह से जान तक चली जाती है, खासकर ओल्ड एज में। अब ऐसी सिचुएशन अगर बने स्वामी जी, तो इससे इंस्टेंटली निपटने का उपाय क्या है? इसके लिए इंस्टेंट निपटने का उपाय, एक तो मैंने कहा पानी के अंदर केसर, और पानी भी सामान्य नहीं, उसको दिव्य पेय स्वासारी का हो तो अच्छा है, और दिव्य पेय स्वासारी किसी को ना मिले तो अपने घर में ही थोड़ी तुलसी, थोड़ा अदरक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग, काली मिर्च, अदरक, हल्दी, ये उबाल करके फिर सात के बाद ही आठवां अभ्यास, और उसमें थोड़ा सा केसर और डाल लें, और शिलाजीत डाल करके तुरंत पिला दें, तो कितने ही बॉडी का टेम्परेचर नीचे गया हुआ हो, विद इन वन सेकेंड, एकदम एक सेकेंड के अंदर इंस्टेंट बेनिफिट, और एक दो मिनट के अंदर तो सब कुछ नॉर्मल ऐसे। तो ये लंबे लंबे श्वासों के साथ ये किया, फिर क्रॉस करके देखो ऐसे ऐसे करो बेटा, ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो कितना ही बॉडी का टेम्परेचर नीचे चला गया हो, वैसे अश्वशिला भी हम देते हैं। ये आज जो उपाय बता रहे हैं हम ठंड को भगाने के, अंदर की सर्द गर्मी को, अंदर की शक्ति को, अंदर की ऊर्जा को जगाने के लिए, तो ये लंबे लंबे श्वासों के साथ ये करें, फिर पैर पास में और ऐसे ये अभ्यास करें। ये 12 अभ्यास आज योगिक जोगिंग के पहले से प्रारंभ करके, और इन 12 अभ्यासों तक ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ करें। मैं कोई ये हठ धर्मिता माने कोई जबरदस्ती नहीं करता हूँ कि मुझे कपड़ों की जरूरत हो और मैंने कपड़े उतार दिए खाली कोई प्रदर्शन के लिए, और कोई उतारेगा तो मारा जाएगा, जकड़ा जाएगा। लंबे लंबे श्वास, ये योगाभ्यास से अंदर से आपकी ऊर्जा, अंदर की शक्ति इतनी मेंटेन रहती है, ऐसे करें फिर ऐसे 100 बार ऐसे करें। चलो बेटा इधर मुँह करो, चलो करो सब 100 बार, वो हाथ ऊपर पूरे ऐसे देखो, यस ऐसे लंबे लंबे श्वास, ऐसे 10 बार से शुरू करके और 100 बार तक करना है। तो ये बिटिया जो है अस्थमा की दवाई नहीं लेना चाहती थी, अब इसका थोड़ा दम उखड़ने लगा है ना बेटा, क्योंकि इसको पहले से ही अस्थमा है, ठंड बहुत लगती है, इसलिए भी कम से कम मुझे लगता है कितनी जोड़ी कपड़े पहन रखे हैं, 5 जोड़ी पहन रखे तो 5 जोड़ी कपड़े पहन करके भी थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी, अब तो कुछ है बाइक को लेकर के बोलो, तो ऐसे 100 बार ये कर, योग कर रही हूँ तो अब नहीं लग रही, अब योग करने से नहीं लग रही है, और अब तो सांस, अभी तो थोड़ा रिदम भी आ गया तो ये 100 बार ये कराते,
सर ये करवाते हैं। अब इसने 5 जोड़ी कपड़े पहन रखे थे और तब भी इसकी ठंड नहीं भाग रही थी। अभी यहाँ मेरे साथ ये योगिक जोगिंग का ही 1 चरण पूरा किया है, अब दूसरा चरण करेंगे बेटा। सूर्य नमस्कार, ये भी सर्दी भगाने का रामबाण उपाय जी। सर्दी के लिए संजीवनी है ये। लंबे लंबे श्वास, वैसे तो हम कहते हैं कि कम से कम 2 बार से लेकर के और 10 बार तक मिनिमम सबको कर लेना चाहिए। स्वामी जी, हमने देखा है कि जो हाइपोथर्मिया का खतरा है वो शुगर पेशेंट्स में ज़्यादा है, एंटी डिप्रेशन की दवा लेने वालों में भी ज़्यादा है, तो ऐसे में उनके लिए क्या सलाह है, कौन कौन से योगाभ्यास आप उन्हें सलाह में बताएंगे? चलिए, ये तो 2 बार से लेके 10 बार करना है। अब सर्दी भगाने वाले लास्ट अभ्यास करते हैं, 10 बार से शुरू करेंगे। ऐसे ये ऐसे 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 10 बार ऐसे कर ले, 10 बार करने में थक जाएंगे। ये बेटी तो हिम्मत कर रही है आज। ऐसे 10 बार से शुरू करके ऐसे। स्वामी जी, आपके साथ आपकी ये जो शिष्या हैं सारे योग कर रही हैं, वैसे हिम्मत तो हमारी मीनाक्षी जी भी कर रही हैं। देखिए बहुत अच्छा योग कर रही हैं और जब से योग कर रही हैं ना, आशीर्वादी से मुझे लग रहा है कि कहीं मेरा टेबल ना हिल जाए। सर्दी भाग ही गई है। अब देखो, अब जो है, अब सर्दी भगाने का लास्ट उपाय बता देते हैं। चलो कोशिश करो आप लोग भी, 10 बार से शुरू करना। मैं तो 10-15 सेकंड में 25 बार कर लेता हूं, एक ही श्वास भर के। जो एक श्वास में ना कर पाए वो ऐसे एक श्वास में एक बार किया। मेरा तो स्वामी जी एक सांस में एक ही होता है। क्यों झूठ बोले? सांस टूटने लगती है। एक सांस में एक बार ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये भुजाएं भी मजबूत बन जाएगी और भुजाएं मजबूत बनने के साथ साथ पूरा शरीर स्वस्थ सुंदर चटोल आकर्षक बन जाएगा। हाँ, और यही और कारण है कि स्वामी जी आपकी फिटनेस का तो ए लेवल है। हर मौसम में फिट रहते हैं, ए प्लस लेवल। पीछे हम देख रहे हैं कि कुछ नजर नहीं आ रहा है, इतनी धुंध है, ऐसा लग रहा है आप कि देखो सीनरी है कोई। हाँ, आज चारों ओर कोहरा छाया हुआ है, सूरज की और कोहरे की लड़ाई हो रही है। कोशिश तो कर रहा है सूरज निकलने की, लेकिन सूरज भी बेबस है ठंड के आगे। जो दुनिया में सबसे गर्मी का, ऊर्जा का, शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, वही जिस ठंड के सामने बेबस लाचार हो रहा है। फिर भी देखो, इसको भगाने के लिए अगला उपाय है, पद्मासन में बैठ गए और ऐसे अंगुलियों के ऊपर अथवा पूरे हथेलियों पर शरीर को उठा लिया, उत्थित पद्मासन 1 मिनट कर लो ऐसे। अंगुलियों पर, अंगूठों पर अथवा पूरे हथेली टिका दी और श्वास भर के 1 मिनट रुक जाना। 1 मिनट में पसीना आने लगता है। एक मिनट तक करेंगे तो ठंड का नामो निशान नहीं रहेगा। ऐसे 1 मिनट तक ये करना और 1 मिनट मयूरासन कर लो। तो फिर
चेहरा भी लाल सुर्ख हो जाएगा। आप लोग मत करना, दांतों टूट जाएंगे, बत्ती सी बाहर आएगी। अभ्यास के बाद करना। नॉट ईजी। स्ट्रेंथ चेक होती है ना मीनाक्षी? बिल्कुल, लग रहा है सारी गर्मी आ गई है चेहरे पर और हाथों में। मुझे गर्मी हो रही है। बहुत खूब स्वामी जी, लगता है आपके ऊपर किसी भी मौसम का असर नहीं होता। एक मिनट करना। अच्छा स्वामी जी, तो अब कोरोना के केसेस तो कम हो रहे हैं। एक बात इजी अभ्यास बताता हूँ जी। कोरोना के केसेस तो लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन श्वास भर के रोक लेता हूँ। हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए स्वामी जी, मैं फिर अपना सवाल पूछ लूंगी। देखो, श्वास भर करके रोक के रख लिया, इसको कहते हैं अभ्यंतर प्राणायाम। और मैं ऐसे 2 से 2.5 मिनट रोकता हूँ। जो 2-2.5 मिनट ना रोक सके, आधा मिनट से तो शुरू करें, और तब तक आप प्रश्न पूछ लीजिए। मैं रोक करके रखता हूँ, उससे इतनी ऊर्जा मिलती है कि मैं बिना शिलाजीत खाए, बिना केसर खाए, ऐसे ऊर्जा से लबालब भरा रहता हूँ। तो ये अभ्यंतर प्राणायाम, ये प्राण शक्ति है, पावर ऑफ ब्रेथ। स्वामी जी, अब कोरोना के केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन खतरा जो है वो अभी भी बरकरार है, और सर्दियों में तो खास एहतियात बरतने की जरूरत है। ऐसे में आप क्या सलाह देंगे लोगों को? तो ऐसे भर करके रोक के रखना, और फिर 2 मिनट तक ऐसे रोकना है, आधा मिनट से शुरू करेंगे प्रैक्टिस, 1 मिनट रोकने पर, और दो जो है 2 महीने के अंदर 2 मिनट का अभ्यास हो जाएगा सबका, और इतनी गर्मी निकलेगी जैसे मेरे मुख से वाष्प निकल रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कोई हीटर चल रहा हो। ये हवा गर्म है अंदर, अंदर का हीटर ऑन हो जाता है। सही बात है। अब देखो, आप लोग जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हर्निया है, कमजोरी है, अस्थमा है, वो तो मत करना। बाकी मैं आपको सामान्य रूप से 2.5 से 5 सेकंड में श्वास लेना ये भस्त्री का, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना ये कपालभाति, और अनुलोम विलोम 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, बाएं सिरिया दाएं से छोड़ा, फिर दाएं सिरिया बाएं से छोड़ा, ये तो हो गया रोगियों के लिए। अब जिनको ठंड लगती है और जवान है, जैसे बेटी बैठी थी मेरे साथ में, हाँ, ऐसों के लिए। लेकिन जिनको अस्थमा है उनको थोड़ा धीरे ही करना है। अब देखो, मैं युवाओं वाला योग कर रहा हूँ, योगा फॉर यंगस्टर्स, पहलवानों वाला योग, जिनको कोई रोग नहीं है। तो कैसे कर सकते हैं देखो जरा, पहले भस्त्री का फास्ट स्पीड वाला, मैंने 50 बार कर दिया अभी। ऐसे में 1 मिनट में 200 बार तक करता हूँ, लेकिन चेहरा नहीं बिगड़ना चाहिए, पूरा शरीर नहीं हिलना चाहिए, लंग की कैपेसिटी इतनी जबरदस्त हो जाएगी। लेकिन याद रखना, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अस्थमा, हर्निया, कमजोरी हो तो नहीं। मैं सब 5 मिनट करता हूँ तो दिसंबर और जनवरी के महीने में भी पसीना चूरे रखता है, माथा से यह हाल होता है। फिर दूसरा,
कपाल भाती देखो ऐसे। स्वामी जी आप कपाल भाती के फ्रॉक्स कैसे लेने चाहिए वो समझाएं और साथ ही साथ एक सवाल के जवाब भी दीजिए। अब क्योंकि कोरोना के केसेस तो कम हो रहे हैं लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है और खास तौर पर सर्दियों में हमें बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। आप तो कह रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन भी आ गई है, बहुत जल्द ये वैक्सीन भी मिल जाएगी, लेकिन हम तो सुन रहे हैं स्वामी जी आपने कह दिया कि आप वैक्सीन बिल्कुल नहीं लगवाने वाले। हाँ देखो कपाल भाती की बात फिर अनुलोम विलोम भी करना है, एक बात बताता हूँ। पहले डॉक्टर्स हैं, मेडिकल पैरामेडिकल के स्टाफ हैं, हमारे पुलिस आर्मी वाले हैं, फिर जो बुजुर्ग हैं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जो हाई रिस्क उसमें है सेक्टर में, जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, बहुत अनियंत्रित डायबिटीज़ है, जिन्होंने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराए हुए हैं, जिनको कैंसर की बीमारी है, ऐसे लोगों को पहले टीका लगेगा। तो अभी 2021 में तो आम लोगों को ये मिलने वाला भी नहीं है। फ्रंटलाइन जो लोग हैं, फिर जो है बुजुर्ग हैं, फिर बीमार हैं, 2022 में फिर नंबर आएगा आम लोगों का। तो स्वामी रामदेव का और जो है मीनाक्षी जी ज्योत्सना जी का नंबर तो 2023-24 में है। तो भैया अभी हम लाइन में क्यों लगे जब हम तो जी स्वामी जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग जो है हर बात में गलत फहमियां फैला देते हैं। तो मैं एक बात पूरी प्रामाणिकता से कहना चाहता हूँ कि पहले उनको अवसर दीजिए जिनको ज्यादा जरूरत है। जो स्वस्थ लोग हैं ये कोई जो है कोई भंडारा थोड़ी चल रहा है, कोई रेवड़ियाँ थोड़ी बट रही है कि जो है वैक्सीन लगा लो नहीं तो मर जाएंगे। और वैक्सीन लगाने के भी 2 महीने बाद इम्यूनिटी पैदा होगी और 2 महीने पैदा होने के बाद भी फिर वो 6 महीने रुकेगी कि 9 महीने रुकेगी ये पता नहीं है। तो भाई आप योग करो, आयुर्वेद का उपयोग करो, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। हाँ भीड़ में जाते हो तो मास्क का इस्तेमाल करो, बिल्कुल सही बात, थोड़ा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, अपनी दिनचर्या को अच्छा रखो, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, ये काम तो करने ही पड़ेंगे ना। इसलिए तो स्वामी जी कहते हैं कि हमारा नंबर तो जो है जी, इसलिए तो हम कहते हैं स्वामी जी आपने योग का कवच पहन रखा है और साथ साथ यही कवच आप सभी लोगों को पहना रहे हैं, जिससे योग के जरिए ना सिर्फ कोरोना बल्कि बाकी बीमारियों से भी हमारी लड़ाई हम बहुत ही भरपूर तरीके से पूरे स्ट्रांग होकर लड़ पाएंगे। अच्छा स्वामी जी एक नॉर्मल थॉट है कि सर्दी तो बहुत है लेकिन इस दौरान अगर सर्दी से बचना है तो अल्कोहल ले लें। वैसे पीने वालों के लिए बहुत सारे बहाने हैं लेकिन एक बहाना ये भी है, लेकिन रिसर्च ये कहता है कि अल्कोहल या दूसरा नशा उल्टे बॉडी के टेम्परेचर को डाउन कर देता है। आयुर्वेद में बेस्ट ऑप्शन क्या है जिसे लेते ही शरीर में तुरंत गर्मी आ जाए? वो बेस्ट टॉनिक अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी मैं कह रहा था प्राणायाम तेजी से करें। और हमने 22 23 24 तक 25 तक हमने दूसरों के लिए जगह दी हुई है कि वो लगवा ले, और मुझे लगता है तब तक कोरोना सर्दी जुकाम के भी वायरस से कमजोर पड़ जाएगा, हमको शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा मैं वैक्सीन बनाने के लिए भारत के वैज्ञानिकों का, भारत के प्रधानमंत्री सहित जो लोग रात दिन पुरुषार्थ करके वैक्सीन बना रहे हैं, और ये कोई पंथ पार्टी की नहीं है और ये कोई नपुंसक बनाने वाली नहीं है, इसमें ना गाय की का इसमें खून है ना सुअर की चर्बी है, मैं किसी गलत फहमी का शिकार नहीं हूँ और कहता हूँ कोई शिकार ना हो, ये विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक पुरुषार्थ है, एक वैज्ञानिक अनुसंधान है, और इसके ऊपर विश्वास कीजिए और जिनको जरूरत है वो लीजिए, लेकिन शेष प्राणायाम कीजिए, गिलोय का इस्तेमाल कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, वो हम रोज करवा रहे हैं और अभी भी करवाते हुए बता रहे हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है वो बाएं नाक बंद करके दाएं से भरें तो सर्दी और भाग जाएगी, गर्मी अंदर से जाग जाएगी। जो आपने कहा कुछ लोग सोचते हैं कि नशा कर लेंगे, सिगरेट पी लेंगे तो गर्मी आ जाएगी, बीड़ी पी लेंगे तो गर्मी आ जाएगी, हुक्का पी लेंगे तो गर्मी आ जाएगी, कुछ तो फिर दारू, फिर उससे आगे भी और बड़े महंगे महंगे दारू, मैंने सुना है लोग 50-50 हज़ार की 1-1 लाख की 1-1 बोतल लेकर के आते हैं कि जितनी सड़ी हुई होगी, जितनी पुरानी होगी उतनी ही सुरा ज़्यादा नशा करेगी। लेकिन आपने ठीक कहा कि उससे तो टेम्परेचर और डाउन हो जाता है, तबीयत और ख़राब हो जाती है, इसलिए आयुर्वेद में इसका सटीक उपाय है दूध में हल्दी लें, शिलाजीत लें, चौनप्रास लें, केसर लें, दिव्य पे
सारी और ये सूर्य भी दाएं से लिया था, अंदर रोक के रखा और रोक करके रखेंगे थोड़ी देर, फिर बाएं से छोड़ेंगे। अच्छा स्वामी जी, कई बार लोग ये कहते हैं कि उन्हें पेट में ठंड लग गई है, तो ऐसा क्या होता है? अगर ऐसा होता है तो फिर क्यों होता है और इससे बचने के लिए उपाय क्या है? देखो, पेट में ठंड लग जाए तो जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन और मेथी, इसका काढ़ा पिए। यदि किसी को पेट में ठंड लगने से दस्त हो गए तो इनका काढ़ा पिए और कुटजारी स्टोर कुटज घनवटी ले ले। यदि किसी को पेट में ठंड लगने से एसिडिटी हो गई है तो जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, मेथी, इसको पानी में भिगो करके ही पी ले। सच में पेट में ठंड लगने से लोगों की हालत खराब हो जाती है। किसी किसी को भयंकर कॉन्स्टिपेशन, किसी किसी को भयंकर एसिडिटी, किसी किसी को भयंकर उल्टी, दस्त जैसी समस्याएं हो जाती हैं, तो उनके लिए पंचामृत बता दिया है और ये प्रयोग करके लोगों की जिंदगियां बच गई हैं। एक लड़का मेरे पास बिहार से आया, उसका नाम था कुमार विकास, एक तो हमारे कवि है कुमार विश्वास, वो लड़का था बिहार से, सीतामढ़ी से, माता सीता की भूमि से आया हुआ था। वहाँ के MLA साहब पासवान जी उसको लेकर के आए थे, उसका 18 किलो वजन हो गया था। उसने यही इंडिया TV का प्रोग्राम देख करके यही जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, मेथी का पानी पिया, अश्वगंधा शतावर का प्रयोग किया, योगाभ्यास किया, वो लड़का 18 किलो से पूरा 60 किलो का होकर के आया। पढ़ाई भी पूरी कर ली फिर उसने और नौकरी लग गई थी, तो बोले जी मैं तो आशीर्वाद लेने आया और इंडिया TV का धन्यवाद करने आया, क्योंकि सुबह सुबह चला गया, दोपहर को आया था फिर चला गया था, नहीं तो मैं उसको इंडिया TV पर लेकर के आता। यह हालत हो जाती है लोगों को, उल्टी, दस्त, डाइजेशन खराब, कुछ भी हजम नहीं होता। एक हमारे यहाँ बेटी आई हुई है, एक दिन मैंने दिखाया था उसको इंडिया TV पर, डॉक्टरों की बन रही है दांत की, उसका वजन हो गया है 26 किलो, 24 किलो या 26 किलो, 25-26 साल की उम्र है उसकी। तो ये ऐसी हम ये चीज़ें पिला करके पेट को ठीक करते हैं। और किसी किसी को तो जो है, एक हमारा ब्रह्मचारी, आज मैं बुला नहीं पाया, भूल गया था, जो है उसका नाम है रजनीश जी, आचार्य रजनीश जी, अचानक एक दिन सुबह तेज कड़ाके की ठंड थी और उसके फेशियल पैरालिसिस हो गए। एक सप्ताह में उसने 100% अनुलोम विलोम करके अपना फेशियल पैरालिसिस ठीक कर लिया। और मेरा सवाल भी स्वामी जी, मैं सबको कह रहा हूं, पैरालिसिस से ही जुड़ा है। 7 दिन के अंदर कई बार ये देखा गया है कि कोल्ड स्ट्रोक से फेशियल पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। अगर इस तरह की परेशानी में कोई फंस जाए तो उससे कैसे निजात पाए, आप वो बता रहे हैं? दूध में हल्दी और शिलाजीत ले और एकांग वीर रस 10 ग्राम, रसराज रस 2 ग्राम, बृहत वात चिंतामणि 1 ग्राम, वसंत कुसुमाकर 1 ग्राम और ये 2 ग्राम से 4 ग्राम मोती पिष्टी मिला दे। ये सब मिला करके 60 पुड़िया बना ले, सुबह शाम एक एक पुड़िया खिला दे और मेधावटी और अश्वशिला खाने के बाद दे दिए, खाली पेट दे पुड़िया। और ये अनुलोम विलोम एक एक, दो दो, तीन तीन घंटा हम करा देते हैं, जो पूरे दिन भर ये एक बार कर लिया है ना जिसने, तो एक ही दिन से लेकर के 2-3 दिन में सुबह से शाम तक ये अनुलोम विलोम करें। ये अभी मैं रजनीश जी का बोल रहा था, एक अखिलेश पंडित जी यहीं हरिद्वार के, मैंने उनको ये करवाया एक सप्ताह के अंदर। वैसे तो 3 दिन के अंदर ही 99% दूर हो जाता है, 1% जो कसर मसर रह गई थी वो भी दूर हो गई। तो इतना ज़बरदस्त है ये अनुलोम विलोम। किसी किसी को फेफड़े पर अटैक करती है, ठंड यहाँ सबसे ज़्यादा लगती है, इसलिए आपने देखा होगा हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, उधर पहाड़ों में लोग अंगीठी यहाँ छाती के नीचे यहीं लगा करके रखते हैं। अब जैसे हमारी इस बिटिया को बहुत ठंड लगती है छाती में, दूसरी गुड़िया को भी लगती है, इसको भी लगती है, ये भी टोपा से लेकर के 5-5 कपड़े ये भी पहन करके बैठी है, 7 कपड़े पहन रखे इसने, 5 यहाँ। स्वामी जी, जितनी सर्दी में आपने बैठाया नीचे दुराब से लेकर के और टोपा तक, जितनी सर्दी में आपने बैठा के इनको योगाभ्यास करवाया है वहाँ पे 5-6 कपड़े पहनना लाजमी है। अच्छा स्वामी जी, कुछ सवाल जवाब भी हम ले रहे हैं। तो नागेश पूछ रहे हैं,
जी जी आप बोल ले। ठंड में ही हम ठंड को भगाते हैं। हाँ पूछ लो आप। अच्छा ठीक है। नागेश जी पूछ रहे हैं कि नेसल सेप्टम यानी पैदाइशी नाक की हड्डी बड़ी होने की वजह से उनकी 15 साल की बेटी को अक्सर सर्दी और खांसी रहती है, हल्का अस्थमा भी है। डॉक्टर ने 18 साल की उम्र के बाद ऑपरेशन की सलाह दी है और सर्जरी के बिना वो कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बताएं क्या वो कोई ऐसा रास्ता है? सौ प्रतिशत सर्जरी से बच जाएंगे, पहले जलनीति से शुरू करें, थोड़े गुनगुने पानी में सौंफ डाल करके, थोड़ा सेंधा नमक डाल करके और जलनीति शुरू करें। थोड़े दिन के बाद बेटी सूत्र नीति भी करने लग जाएगी। खाने के बाद लक्ष्मी विलास संजीवनी वटी और खाली पेट श्वासारी दें, और बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड हो जाए कभी तो श्वासारी गोल्ड हम बताते हैं, जिसमें श्वासारी त्रिकुटा सीतुपलादि 20-20 ग्राम, अभ्रक 5, गोदंती 10, स्वर्ण वसंत मालती 3-5 ग्राम तक हम मिला देते हैं। और मरणासन्न लोगों को हमने जिंदा किया है, माने ऐसे लोग जिनका श्वास रुक गया था, अटैक आ गया इतना जबरदस्त कि अब तो मर जाएंगे, तो उनको हम दिव्य धारा सुंघा देते हैं। हमने एक दिव्य इनहेलर भी बना रखा है, पतंजलि की बाम भी बना रखी है, और वो हमने बताया भी है सबको, देसी कपूर, अजवाइन, पीपरमेंट समान मात्रा में लेकर के, थोड़ा उसमें लौंग का तेल और यूकेलिप्टिस का तेल मिला करके, और वो उसको सुंघा देते हैं। स्वामी जी ये जो आप उपाय बता रहे हैं, ये स्वासारी खाली पेट खाने के बाद लक्ष्मी विलास संजीवनी खिला देते हैं। जो ये उपाय आप बता रहे हैं, क्या ये एलर्जी कोल्ड में भी 100% अच्छे हो जाएंगे? जी, क्या ये एलर्जी कोल्ड में भी कारगर होता है? क्योंकि स्वाति ये सवाल पूछ रही है कि क्या उन्हें साइनस की समस्या तो नहीं, क्योंकि वो एलर्जी कोल्ड से पीड़ित है, और सर्दी जुकाम में तो स्वामी जी कई लोगों की परेशानी होती है कि आंखें जलती हैं, आंखों में दर्द भी होने लगता है। स्वाति कह रही है कि उन्होंने शहद के साथ साथ सीतोपलादि भी लिया लेकिन पूरा फायदा नहीं हो पाया, उन्हें क्या करना चाहिए? उनको सरसों का तेल तो नाक में डालना चाहिए और लगातार डालना है तो फिर षडमिद्धु तेल या अणु तेल भी डाल सकते हैं। बहुत नाजुक प्रकृति हो तो बादाम रोगन डाल लें, और बादाम रोगन से या तिल के तेल से मसाज भी कर लें शरीर की। और ये बैठा है यहाँ पर एक भाई, कितनी छींक आती थी, लेके जाना भाई माइक, इधर आ जा, इसको हजार हजार छींक, हजार छींक साल से तकलीफ। ये माइक लो, ये तो सुन के नामुमकिन सा सुनाई देता है, हजार छींक भी आती है क्या? जो मेरी याददाश्त में है, मुझे ये साइनस बोलिए या जो भी बोलिए उसकी तकलीफ है। किसी भी मौसम में 12 महीना सर्दी में भी, गर्मी में भी रहूं, मैं धूप में भी रहूं तो मेरे को छींक शुरू हो जाती है, हजार हजार छींक आती है, सैकड़ों नहीं हजार हजार। जो भी व्यक्ति आसपास रहता है वो देख के परेशान हो जाता है कि इसको क्या बीमारी है। तो अभी तो यहां आप आधा घंटा से बैठे हो, अभी तो भी छींक नहीं आई। स्वामी जी इत्तेफाक है कि मैं 2 दिन से हरिद्वार में हूं, एक सिंगल छींक नहीं आई है, आपका प्रभाव है वो भी है। और छींक उड़ गई, उतार दिया आपके साथ, मैं टोपा मतलब बड़ी ऐसे लगाऊं नहीं लगाऊं, मुझे कोई जरूरत नहीं लग रही है, एक सिंगल छींक नहीं आई स्वामी जी। 1000 छींक मैं आपको मैंने वीडियो दिखा सकता हूं स्वामी जी, मतलब ये चीज है। और मेरे मतलब वीडियो बना रखी, हां मेरे घर वाले ने, मेरी वाइफ ने बना के रखे, मेरे मित्रों ने बना के रखा है स्वामी जी, ये स्थिति मेरी। और मैं आज तक ठंडी जगह पे नहीं जा पाया, ना आइसक्रीम खा पाया, ना कुछ कर पाता हूँ, एसी में नहीं बैठ सकता गर्मी के मौसम में, ये हालत है। 5-5, 6-6 कपड़े पहन के रहता हूँ। चलो, और आपने इंडिया टीवी के माध्यम से जो कहा था कि वात का और कफ का ठंड में हम इलाज करते हैं, और मैं यहाँ हूँ, मैं हिम्मत करके आया हूँ आपके आशीर्वाद से, और इंडिया टीवी से प्रभावित हो गए। ठंड में जी 5 बीमारियां सबसे ज्यादा बढ़ती है, जोड़ों में दर्द, कफ, सोराइसिस, अर्थराइटिस के साथ साथ ये बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम ये बढ़ते हैं। कितनी बार स्लिप डिस्क हो चुका? मुझे 3 बार स्लिप डिस्क हो चुका है, अभी तीसरी बार अभी 2020 में ही हुआ था। इंडिया टीवी के माध्यम से मैं 9 महीने से कार्यक्रम देख रहा हूँ, 6 महीने से मैंने योग प्राणायाम करके मुझे सर्वाइकल के नसों की नमनेस हो गई थी सब कुछ, और साइटिका का दर्द हो गया था। मैंने इंडिया टीवी के आपके माध्यम से देख के चीज पूरी करीब 99% ठीक कर ली है। मुझे थायराइड की भी प्रॉब्लम है, उसको भी मैंने कंट्रोल कर लिया, TSH मेरा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। चलो आपने जी, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये
ये इसकी ये हालात है। मेरा पूरा घर स्वामी जी योगी परिवार और मैंने कम से कम 18-20 परिवारों में कोरोनिल की पूरी किट बांट के उनको ठीक किया है। स्वामी जी जॉइंट कोरोना भी ठीक करके आया बीसीओ परिवारों का। अब जा टोपा पहले कोरोना भी दूर ठीक आ गई तो हजार गिननी मुश्किल हो जाएगी। हजार छीके भी चली गई चली गई है। स्वामी जी क्योंकि आपने ठंड में जॉइंट पेन का भी जिक्र किया तो एक सवाल, ये कोरोना का नाम लेते ही फोन भी डर गया और कट गया। तो जिनको ज्यादा सर्दी लगती है उनके लिए एक दो आसन भी और बता देता हूँ। देखो ये सर्वांगासन और शीर्षासन भी कर सकते हैं, ऐसे 1 से 2 मिनट ऐसे, 1 से 2 मिनट ऐसे करिए, ये भी सर्दी भगाने वाला है। और फिर जो है शीर्षासन भी। तो कोरोना भी भगा दिया हमने और कोरोना से लेकर के हर रोग की जंग हम लड़ रहे हैं। बहुतों को जिनको कफ कोल्ड होता है तो वो तो ऐसे कर ही नहीं पाते, ऐसे करते ही उनकी नाक जाम हो जाती है। अब दोबारा से चालू हो गया है फोन। हाँ। आप कुछ पूछ रहे थे मीनाक्षी जी। स्वामी जी कोरोना सर्दी के साथ जिस तरीके से हम देख रहे हैं कोरोना का प्रकोप बढ़ गया था, हालांकि अब वैक्सीन आ गई है, लेकिन अब जो एक और परेशानी लोगों के लिए बन गया है वो है बर्ड फ्लू। तो अब इस बर्ड फ्लू से कैसे निपटा जाए, हालांकि आप तो शाकाहारी हैं लेकिन जो मांसाहारी हैं वो कैसे निपटे? तो थोड़े दिन मांस खाना छोड़ दे, जरूरी है रोज ही अपने पेट को शमशान और कब्रिस्तान बनाना। तो देखो एक तो बात ये है कि लोग जो है इतने बावड़े हैं कि जो है मांस नहीं खाएंगे तो कैसे गुजारा होगा भाई। जिन पशुओं का आप मांस खाते हो ज्यादातर वो सारे पशु गाय भेड़ बकरियों से लेकर के शाकाहारी हैं। ये कौवा भी बेचारे कहीं दो दाने काव काव कर रहा था भी उड़ गया। कौओं में आजकल बर्ड फ्लू हो रखा है, मुर्गियों में हो रखा है। तो भाई आप पहली बात तो देखो, एक में कोई भी फ्लू हो गिलोय पिए, मैं सबको बता रहा हूँ 22 दफ़ा किसी को बर्ड फ्लू हो गया, चलो मांसाहारी थे तो क्या करें, यही गिलोय वाला पिए। गिलोय सभी प्रकार के फ्लू से, सभी प्रकार के इन्फेक्शन से, सभी प्रकार के बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत देती है। तो गिलोय तुलसी हल्दी अदरक काली मिर्च लौंग ये सब जो हमने बता रखा था यही काढ़ा पिए, प्राणायाम करें, तो 22 दफ़ा किसी को भी बर्ड फ्लू हो गया हो तो वो उससे भी बच जाएंगे। बाकी योग मुद्रासन, ये वज्रासन में बैठ के जी, मंडूकासन शशकासन ये सब अभ्यास भी करते रहेंगे तो किसी भी प्रकार के फ्लू से, इन्फ्लुएंजा से, बैक्टीरिया से, वायरस से, बेहतर तो ये है तमाम तरह के रोग चारों तरफ घात लगाए बैठे उनसे बचाएंगे। बेहतर तो ये है कि लोग कुछ दिनों के लिए अंडा मांस मछली सब बंद कर दें। हाँ, और मीनाक्षी का इशारा मेरी तरफ है। बोलना नहीं चाहती थी कि आपने बोल ही दिया तो ठीक है। दया करो जीवों पर, दया करो जितना तुम्हें जीने का अधिकार है। मुर्गियों पर दया करो। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। उत्तर मिल गया, ज्योत्सना जी की ज्योति जग गई है। स्वामी जी बिल्कुल बर्ड फ्लू में इन सारी बातों का ध्यान रखने की तो जरूरत ही है, लेकिन योगा अभ्यास हो गया, प्राणायाम हो गया, अब हम सर्दियों के मौसम में क्या आहार लें जिससे हम बिल्कुल सर्दियों से, ठंड से बच सके? तो देखो जी, रोज वैसे भी ये थोड़ा पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन एक एक मिनट कर लेना। हाँ। तो सर्दी नहीं लगती, एक एक मिनट करने से पसीना आ जाता है। दिसंबर जनवरी में भी ये मेरा एक्सपीरियंस है, एक एक मिनट। बिल्कुल स्वामी जी, तब तो तक हम अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि हमारे कल के शो में समापन करते हुए क्या खास रहने वाला है।
तो आज स्वामी रामदेव बता रहे हैं कि आप सर्दियों से कैसे बच सकते हैं, कौन से योगा अभ्यास हैं। कल स्वामी जी से जानिए कि किस योगा अभ्यास से आप रेसलर जैसा कद और एथलीट जैसी फुर्ती पा सकते हैं। क्या है शक्तिशाली बॉडी बनाने के आयुर्वेदिक उपाय, देखिए स्वामी रामदेव की बॉडी बिल्डिंग क्लास सबसे बड़े पहलवान के साथ। स्वामी जी अब देखो, अब अगला कार्यक्रम शुरू हो गया है और मैंने बताया था केसर, केसर किधर ले गए भाई तुम लोग? अरे राम, तो ए सबसे ज्यादा ठंड किसको लग रही है? इधर आओ दोनों गुड़िया, आओ इधर पहले जिनके शरीर पे सबसे ज्यादा स्वेटर हो तुम्हारा। अरविंद इधर आओ। तो देखो ये खोलना पड़ रहा है, इसको लॉक लगा हुआ है। तो दूध में केसर शिलाजीत का तो हमने बता ही रखा है, केसर और देखो मुंह में डाल ले थोड़ा, लो तुम्हारे को अभी थोड़ा सा डालना, अभी ऐसा ऐसी गर्मी आ जाएगी, ये प्रसाद है केसर का जी। और बाकी सबको मुंह में डाल लो, फिर देखो ये केसर ऐसे डाल दिया पानी के अंदर। अब पानी में केसर डाल देंगे तो ये 2 ही मिनट के अंदर पूरा पानी केसरिया हो जाएगा। अब केसर वाला जो ये पानी है इसकी तो खुशबू भी आने लगी, अब ये सबको पिला देंगे जिनको भी ठंड लगी हुई थी। केसर वाला पानी अब इसके अंदर थोड़ी डाल दें शिलाजीत, ये शिलाजीत बड़ी ज़बरदस्त होती है, ये शिलाजीत और डाल दो, फिर तो ये रामबाण हो जाता है। अच्छा स्वामी जी, माने जिसको भी ठंड लग रही हो दूध में केसर, कुछ वैसा है जो लोग अल्कोहल के शौकीन हैं उनको कम से कम कलर के मामले में तो संतुष्टि मिल जाएगी। उनको जरूर सेवन करना किसका? ये तो ये जो अल्कोहल का भी बाप है। देखो अब इसका, अब सुनो ये देखो, अब देखो इसका कलर तो अब आया है, थोड़ी शिलाजीत और डाल दी है जी। अब जिसको ज्यादा ही ठंड लग रही है, हनी और लाना भाई, देखो उधर हनी रखा है जी स्वामी जी। जिसको ज्यादा ठंड लग रही है केसर और शिलाजीत वाला दूध, अब इसके अंदर थोड़ा सा हनी डाल करके पिला देंगे। हाँ, तो स्वामी जी अब देखो ये तैयार हो गया है, अब इसके अंदर डाल दिया थोड़ा हनी। हाँ। और ये डाल करके पिला दें तो फिर तो मतलब ही नहीं है किसी भी प्रकार के ठंड के लगने का। लो बेटा चम्मच से इलाके पी लो। तो ये हेल्दी ड्रिंक है जो स्वामी रामदेव ने बताई है। ये दिव्य पे और स्वासारी ये डाल करके उबाल करके रख ले और दिन में पानी नहीं पीना जी, यही पीना है। तो इसका भी कलर रेडिश कलर का होती है ये, और इसको पी लेंगे तो फिर जो है दिन में आपको किसी भी प्रकार से ठंड लगेगी नहीं। और इसका तो अस्थमा भी मुझे दौड़ा के भेजना है इसको। स्वामी जी हम अक्सर आपसे ये कहते हैं कि आपके पास इतने सारे नुस्खे हैं जिन्हें जानने के लिए तो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन बहुत माफी के साथ हमें अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आप विराम दीजिए और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो ज्यादा ही ठंड लगती हो तो दूध में देखो, दूध में हल्दी शिलाजीत केसर उबाल करके और पी लेंगे और च्यवनप्राश साथ में ऊपर से खा लेंगे। तो ये हमने, क्योंकि हमारा गांव है ना इधर योगा ग्राम, तो ये कार्यक्रम अब हम दूध पिएंगे। आप विराम लीजिए, ब्रेक लीजिए, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। फिलहाल वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद देखिए ट्रंप समर्थकों ने क्यों की अमेरिकी संसद पर चढ़ाई।